प्रदेश भर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। माकपा ने मांग की है कि हर एक परिवार को जो आयकर से बाहर है उन्हें 7,500 रुपए प्रतिमाह भत्ते के तौर पर दिए जाएं और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रबंध किया जाए। माकपा के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन कर मांग की है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 300 रुपए दिहाड़ी दी जाए और सरकार मजदूर विरोधी फैसले लेना बंद करे। वहीं जिला मंडी में माकपा के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर माकपा जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो जन विरोधी फैसले लिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। माकपा के सदस्यों का कहना है कि देश और प्रदेश की सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है और जिस कारण कोरोना महामारी देश में बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। माकपा सदस्यों ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे और इस बीमारी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करे, नहीं तो आने वाले समय में माकपा अन्य संगठनों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन छोड़ेगी। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश के 16 मसलों और हिमाचल के 4 मसलों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसमें मुख्यतः ये है कि जो देश के अंदर ये पैंडेमिक का दौर है, बीमारी का दौर है, इस दौर में हर एक खाता धारक को जो आयकर की सीमा से बाहर रहते हैं उनको जब 7,500 रुपये उनके खाते में हो, मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार हो, 300 रुपये दिहाड़ी हो, जो बेरोजगार है, जो इस देश के अंदर 15 करोड़ लोग रोजगार हो गए हैं उन्हें रोजगार का बंदोबस्त किया जाए या उन्हें बेरोजगारी भत्ते का बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ जिस देश के अंदर नई शिक्षा नीति को इस देश की सरकार ने भी लागू किया है, इस शिक्षा नीति के चलते ये सरकारी क्षेत्र को खत्म कर शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, इसका भी आज विरोध हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट बिल जो 2020 आया है वो भी यही बात को कर रहा है कि आज देश के अंदर इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए और जो कॉरपोरेट है, विदेशी कॉरपोरेट को जो इस देश के अंदर एंट्री देने के लिए जो जंगल और जमीन है वो कोड़ियों के भाव इस देश के अंदर जो कॉरपोरेट्स को देश की सरकार देने वाली है। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार ने बस किराया बढ़ाया है, हमारी पार्टी मानती है कि बड़े कॉरपोरेट और बड़े जो ट्रांसपोर्टर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली की दरों में भी वृद्धि की है और इसमें जो उसमें जो बिजली की दरों के अंदर जिस तरीके से पैमाना बनाया गया है, एक साधारण परिवार से आने वाले आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो उसका पड़ने वाला है। और हम ये जानते हैं आज बिजली महकमा पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और इसको और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए बिजली की दरों के अंदर। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बागवान है उनकी जो अनेकों समस्या है, इसके साथ साथ जो छात्रों को आज प्रदेश के कॉलेजों के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उनको एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, हमारी पार्टी मानती है कि इससे बीमारी और बढ़ेगी और इस बीमारी के बढ़ने के बाद जो देश के अंदर जो है और ज्यादा जो है केसेस आएंगे। इसके साथ साथ जो देश के अंदर श्रम कानून है, जो मजदूरों के कानून जो अंग्रेजों के समय के अंदर लड़ाई लड़के जीते थे उनको जो है देश की सरकार खत्म करना चाहती है। बहुत सारे प्रदेश सरकारों ने बोल दिया कि अगले 3 साल तक कोई भी जो है श्रम कानून नहीं होगा और बड़े कॉरपोरेट्स को खुली छूट दी जाएगी कि वो जो जितनी लूट करना चाहता है मजदूर की कर सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर मंडी के अंदर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चेता रहे हैं कि अगर आपने आने वाले समय के अंदर जो मजदूरों के पक्ष के अंदर नीति नहीं बनाई तो आने वाले समय के अंदर और ज्यादा तेजी के साथ आम जनता के पक्ष में नीति नहीं बनाई तो और तेजी के साथ आंदोलन तेज होगा। इन्हीं बातों को लेकर आज का हमारा धरना प्रदर्शन है।